अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देसी नुस्खे चैनल में मैं अपने तमाम भाइयों को वेलकम कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई दोस्त खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, देसी नुस्खे चैनल जितने भी नुस्खे लेके आता है वो बहुत आसान और घरेलू नुस्खे होते हैं। इसमें किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी केमिकल का इजाफा नहीं होता, और ये इतने आसान और सस्ते होते हैं कि आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं। आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, देसी नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। जैसा कि आपको मालूम है, जब आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे फिर ही आपको पता चलेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसका तरीकाकार क्या है और आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये नुस्खे में आपको इतनी मर्दाना टैमक आई जाएगी कि आपके मादा में इजाफा होगा। मर्दाना टैमक इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा होगी और आपके नफ्स की जितनी भी कमज़ोरी है वो सब ख़त्म हो जाएगी, ढीलापन ख़त्म हो जाएगा और आपको जो कतरे आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो अहतलाम होता है वो सब ख़त्म हो जाएंगे और मर्दाना टैमक फिर से आपकी बहाल हो जाएगी। चलिए, नुस्खे जाना पड़ने से पहले आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने तीन चीज़ें लेनी है। नंबर एक आपने लेना है स्तारवा, या आपने पंसार की दुकान से जाकर बोलना है स्तारवा हमें दे दें। आपने क्या करना है, 100 ग्राम स्तारवा। फिर आपने लेनी है सफ़ेद मूसली, इंडियन वाली आपने सफ़ेद मूसली इंडियन की लेनी है, ये कम से कम आपने 100 ग्राम ये लेनी है। फिर आपने एक गिलास दूध लेना है। आपने क्या करना है, आपने इन तीनों दोनों चीज़ों का अच्छे से पाउडर बना लेना है, स्तारवा और सफ़ेद मूसली का। जब ये आप हल्का सा इसको ब्रिक हो जाएगा, आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने इसको नीम गर्म दूध लेना है, गिलास नीम गर्म दूध लेके उसके अंदर आपने आधा चम्मच डाल देना है। याद रखें, स्तारवा और सफ़ेद मूसली ही आपने इस्तेमाल करनी है। फिर आपने क्या करना है, जब इसको इसके अंदर आधा चम्मच डाल दोगे फिर आपको इसको हल्का सा नीम गर्म हो जाएगा जब, फिर आपने इसको रोज़ सोने से पहले इसका एक गिलास आपने इस्तेमाल करना है। ये मुसलसल आपने इसका 30 दिन तक इस्तेमाल करना है, फिर आपको इसका रिज़ल्ट का मालूम पड़ेगा। आपकी मर्दाना टाइमिंग जितनी बढ़ जाएगी, नफ्स की कमज़ोरी ढीलापन वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे फिर ही आपको समझ आएगी कि इसके कितने फ़ायदे हैं। याद रखें, आपने सिर्फ़ इन दो चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है, इसके अलावा और किसी चीज़ का आपने इस्तेमाल नहीं करना। मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ अपने प्यारे भाइयों को कि आपने लेना है स्तारवा, याद रखना है नाम इसका स्तारवा, और इसके साथ आपने लेनी है सफ़ेद मूसली। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाइयों को मेरे नुस्खे की समझ आ गई। जिस मेरे प्यारे भाई के नुस्खे की समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।